Dear participants, welcome to our Omni Academy workshops. Today's workshop is about taxation course. Our trainer, Sir Arsalan, is going to conduct this session. You can interact with him at the end of a session. Sir, please continue. Assalamu alaikum, all participants. This is Sir Arsalan. I'm a taxation trainer. This can sharing screen to all participants. So let's start. So hello Miraj. जी सर स्टार्ट करें हम हमारे आप जी सर आप कंटिन्यू करें ऑल पार्टिसिपेंट हैं सब जी सर ओके सो हम स्टार्ट करते हैं टैक्स टैक्स बेसिकली टैक्स क्या होता है टैक्स के बारे में टैक्स कितनी है टैक्स कितने टाइप के होते हैं और टैक्स का जो इनकम वगैरह है हम टैक्स क्यों सीखते हैं हम टैक्स प्लानिंग क्यों करते हैं हम टैक्स प्लानिंग और टैक्स अथॉरिटी के क्या क्या रोल्स हैं तो बेसिकली हम जो ये आपका वर्कशॉप है ये पूरी फोकस करते हैं हमने जो ली है ये टैक्स के पूरी फोकस्ड है तो हम स्टार्ट करते हैं कि टैक्स क्या होता है टैक्स जो है वो एक मैंडेटरी फी है और चार्ज है बाय गवर्नमेंट की तरफ से जो और इंडिविजुअल पे लग रही है और ऑर्गेनाइजेशंस पे लग रही है टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर पब्लिक एंड उसको प्रोवाइड फैसिलिटी करती हैं वो पब्लिक को इन रिटर्न जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो बेस कोर रेवेन्यू होता है वो टैक्स होता है राइट टैक्स के दो टाइप्स होते हैं एक डायरेक्ट टैक्स होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो बेसिकली इनकम पे बेस करता है जो इंडिविजुअल की इनकम होती है जैसे सैलरी पर्सन है इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस की सेल्स और उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं प्रॉफिट पे वो उनकी इनकम होती है उस पर बेस करता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये आपका सेल्स होती है सेल्स टैक्स वगैरह होते हैं जो अभी गुड्स और सर्विस पे 13% और 17% अप्लाई करता है तो ये बोथ टाइप ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जो सिटीजन्स होते हैं जो बिजनेस करते हैं जिनकी इनकम्स होती हैं जनरेट विद इन द पाकिस्तान ये गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं जो कोर होते हैं इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोन करती है और फिर एजुकेशन और हेल्थ और ये वो एक जो है वो उसी पे चलता है ठीक है टैक्स अथॉरिटी के बेसिकली मैं आपको एक ऐसा एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि एक तो टैक्स जो है वो उसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है पूरे एक कंट्री में इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है टैक्स अथॉरिटी उसको कैसे डील करती है टैक्स अथॉरिटी की क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक इंडिविजुअल और एक कंपनी को टैक्स की जरूरत क्यों है कंप्लायंस जो है वो इन्फोर्स है बाय लॉ की तरफ क्यों सीखे कोई टैक्स क्यों सीखे ठीक है और इसकी बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं तो बेसिकली यही रोल ये एक मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा तो सो टैक्स अथॉरिटी एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स जो है वो अथॉरिटी जो है वो फैसिलिटेटर है वो सिटीजन्स को फैसिलिटेट करती है कि इस तरीके से उनको अपनी इनकम और इस तरीके से जो अपने लेजिटिमेट सोर्सेज हैं उनको डिक्लेयर करना और जो उन पर टैक्स चार्ज हो वो पे करना ताकि ये टैक्स जो है वो कंट्री अथॉरिटी जो टैक्स अथॉरिटी है वो कलेक्ट करे एंड देन ये रिटर्न वापसी टू द पब्लिक को आए इन डिफरेंट सर्विसेज लाइक एजुकेशन हॉस्पिटल्स हेल्थ
इन ऑल सब इश्यूज पे. सो टैक्स अथॉरिटी का रोल्स है, फैसिलिटेटर है, मॉनिटर इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट है, गाइडेंस फॉर सबमिशन ऑफ डेटा एंड टैक्स की फाइलिंग है, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज कॉन्फिडेंशियली ऑफ योर डेटा जो भी आप डेटा सबमिट करते हैं. हेड ऑफ इनकम है, हेड ऑफ इनकम एक वन इंडिविजुअल हेड ऑफ इनकम जो है वो ये सारी फॉल करती है, जो भी पाकिस्तान के सिटीजन है, बिजनेस कर रहे हैं, सेटल्ड पर्सन है, उनकी इनकम इन जो मेन हेड है इनमें ही फॉल करती है. ये पांच हेड है इनमें ही इनकम फॉल करेगी, जिसमें सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज है. तो सैलरी आपको पता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपको दो टाइप की आ जाती है, एक तो आपका रेंटर आ जाता है, उसके बाद आपके सब लीज वगैरह, उसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेसेस ये आपका आ जाता है जो बिजनेस करती है कंपनीज जिसमें सोल प्रोप्राइटर है, कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, ये सारी ये इनकम फ्रॉम बिजनेस हो जाती है. इसके अलावा कैपिटल गेन्स हैं जो स्टॉक्स वगैरह में लोग शेयर करते हैं, शेयर परचेज बाय करते हैं. कैपिटल गेन प्रॉपर्टी में भी इटसेल्फ होता है कि प्रॉपर्टी आपने खरीदी और बेची, उसमें क्या कैपिटल गेन आया. इसी तरह अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है जो ओपर हेड में नहीं है, ये अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है, सर्विसेज भी हो सकती है और अदर टाइप की भी इनकम हो सकती है, कमीशन भी हो सकते हैं. उसके उसके बाद हम ये जो मेन है कि हम टैक्स के सीखें. टैक्स जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी, ये एक मेन जो है वो हर इंडिविजुअल और कंपनी का एक मेन क्वेश्चन होता है. तो इसका जो है वो लिंक जो है वो सीखना क्यों जरूरी है, वो ये है कि टैक्स जो है वो ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है, वो चाहे वेदर इट इज कंप्लीटेड बाय इंडिविजुअल और वेदर इट्स कॉर्पोरेट. ये मैंडेटरी है हर इंडिविजुअल के लिए कि उसकी जो टैक्स अथॉरिटी इसको फोकस करती है और इन्फोर्स करती है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो भी हो रही है इस पे गवर्नमेंट को टैक्स मिले, और कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल मेक श्योर करे कि ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास सबमिट. तो टैक्स कंप्लायंस जो है वो इसी वजह से बहुत मैंडेटरी है फॉर इंडिविजुअल और जो कॉर्पोरेट. टैक्सेशन एक ऐसा पार्ट है जो एक अगर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ले, प्राइवेट लिमिटेड ले या सोल प्रोप्राइटर ले, अगर वो टैक्स की कंप्लायंस नहीं करती, उसका बिजनेस बहुत अच्छा भी चल रहा हो, तो टैक्स अथॉरिटी उसको प्रॉपर नोटिसेस और ये सब कुछ के बाद टैक्स अथॉरिटी उसको पाबंद करती है. तो कंपनी को लाजमी और इंडिविजुअल को भी लाजमी टैक्स फाइल और टैक्स जो है वो जमा भी कराना है और उसको जो कंपनी आपको पे करती है उसी टाइम एट द टाइम ले लेती है. इसी तरह आप अगर स्टॉक में डिविडेंड देते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक में आपको कैपिटल गेन होता है और डिविडेंड मिलता है, वो भी वहीं से ही एट सोर्स पे डिटेक्ट हो जाता है. इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पे आपको जो सेल करते हैं सेल के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसके बाद जो आप नेट प्रॉफिट पे आते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है. तो टैक्स जो है वो इसको फोकस्ड गवर्नमेंट की तरफ से फोकस्ड है कि भाई ये टैक्स जो है वो हर पर्सन पे जो भी ड्राइव इनकम विद इन दी कंट्री कर रहा है उसको टैक्स देना पड़ता है. तो इसके इसको जो ये कंप्लायंस है ये एक पिवोटल पार्ट, जो एक ऐसा पार्ट है जो जो कि लाजमी एक ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए प्लानिंग और एक अपना कंप्लायंस डिपार्टमेंट क्रिएट कर, इसी तरह इंडिविजुअल क्योंकि ये तो साथ साथ चलना है. कंप्लायंस के विदाउट कंप्लायंस तो आप इनकम जनरेट ही नहीं कर सकते. ये एक फेसेस आ जाते हैं कंपनीज के सामने और ठीक है. उसके बाद तो बेसिकली हर इंडिविजुअल को ज़रूरत भी है
और इसको अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज करना चाहता है, मतलब ये सीख के वो सर्विसेज भी दे, तो उसको कमर्शियल अपना इटसेल्फ भी कमर्शियल पर्पस भी उसका सीखना ये भी जरूरी है। और दूसरा उसका ये भी है कि मतलब अगर वो इनकम ड्राइव कर रहा है इन द कंट्री तो उसको ही हैज टू पे टैक्स। ये इसकी वजह से टैक्स सीखना लाजमी है। और टैक्स सीखना लाजमी इसकी दो और भी वजूहत ये है कि अगर आप टैक्स सीख लेते हैं तो गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कुछ टैक्स लग रहे हैं, अगर एक इंडिविजुअल को उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो डेफिनेटली वो डबल टैक्स पे कर रहा होगा। क्योंकि आप अगर देखें, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, अगर टैक्स में आप इंटर्ड नहीं है, टैक्स में इनरोल नहीं है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है आप, तो आपका जो टैक्स डिडक्ट होगा, आपका जो टैक्स कटेगा या आपको जो पे करना पड़ेगा वो डबल रेट से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी वजूहत है कि आप अपनी इनकम जो भी जनरेट कर रहे हैं उस पर डबल टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि आप जो बंदा है वो टैक्स उसमें उसको टैक्स के बारे में पता ही नहीं। तो टैक्स के बारे में ये लाजमी पता होना चाहिए लाजमी एक इंडिविजुअल को जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, जो इनकम कमा रहा है, वो इसको फोकस करे कि जो मैं इनकम कमा रहा हूँ उस पर टैक्स जो है वो कितना लग रहा है। मैं अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाऊँगा तो ये मैं टैक्स रेट से इंजॉय कर सकूँगा या मुझे डबल टैक्सेशन क्यों पड़ रही है, क्यों मेरी इनकम पे डबल टैक्स लग रहा है, या जो रेट्स गवर्नमेंट ने एफ बी आर ने इशू किए हैं उससे डबल क्यों मुझे देना पड़ रहा है। क्योंकि एक आप देखें, एक बंदा फाइलर होता है और एक होता है नॉन फाइलर। जो फाइलर है उसके अगर रेट लेट सपोज 4 है, वो गुड्स पे उसका इनकम टैक्स को 4 देना पड़ रहा है, तो अगर वो नॉन फाइलर होगा तो उसको 8 देना पड़ेगा। इस यही एक जो मेन बुनियाद है कि जो भी सिटीजन जो भी यहाँ पर इनकम कमा रहे वो मेक श्योर कर ले कि वो टैक्स ही उसकी ये भी बेसिस है कि वो टैक्स को एटलीस्ट इतना जान रहे कि उसको डबल टैक्स क्यों हिट पड़े, वो अपना जो गवर्नमेंट के टैक्स रेट से उसी में मिले, या गवर्नमेंट ऐसा भी करती है कि कुछ इनकम्स होती है उन पे गवर्नमेंट रिबेट्स भी दे रही होती है और उनको टैक्स फ्री भी कर रही होती है, एग्जम्पशंस भी दे रही होती है। अगर बंदे को टैक्स की नॉलेज नहीं होगी तो वो एग्जम्पशंस एंजॉय नहीं कर सकता, टैक्स क्रेडिट एंजॉय नहीं कर सकता, वो टैक्स रिडक्शंस एंजॉय नहीं कर सकता। इस लिए हमें टैक्स को जो है वो सीखना बहुत लाजमी है एक इंडिविजुअल को जो जनरेट कर रहा है यहाँ पर इनकम। Tax compliance is mandatory for individual or as well as corporate. Tax planning in order for tax saving. Individual एक tax planning करता है, एक individual है उसकी salary भी income है, उसकी stocks में भी income है, उसकी इसके अलावा और other business sole proprietor भी चल रहे हैं। अब वो tax के बारे में जानेगा तो tax एक better प्लानिंग भी कर लेगा और उसकी कंपनी जो है वो स्मूथ लाइन भी चल रही होगी। और उसको अदर बेनिफिट ये है कि जो बड़ी डीलिंग्स वगैरह हैं, लेट्स सपोज एक सोल प्रोप्राइटर होता है, वो अगर टैक्स में फाइलर बनता है तो उससे दूसरी कंपनियां जो है प्राइवेट लिमिटेड और लिस्टेड और अदर कंपनीज, वो उसके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने से, एक्टिव फाइलर होने से वो उसके साथ काम करना पसंद करती है, क्योंकि रिलायबिलिटी आ जाती है कि ये टैक्स फाइलर है, ये टाइम पे फाइल जमा कराता है, टैक्स पे टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर है। इस वजह से ये एक बेनिफिट आता है। अब इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट लेवल पे बंदा टैक्स प्लानिंग करता है, इंडिविजुअल जो है वो आपके उसके ऊपर डिफरेंट इनकम से आ रही होती है, रेंटल आ रही होती है, सैलरी इनकम आ रही होती है, उसके पास स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की आ रही होती है इनकम, कैपिटल गेन वगैरह की। अब अगर वो टैक्स प्लानिंग नहीं करेगा तो वो डबल रेट पे कर रहा है, डबल रेट पे कर रहा है। इसके अलावा टैक्स अवॉइडेंस उसको मिल सकती है बहुत सारे ट्रांसैक्शंस पे जो कि गवर्नमेंट देती है, वो उसको टैक्स प्लानिंग नहीं करेगा तो वो इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकेगा। जब एंजॉय नहीं कर सकेगा तो डेफिनेटली वो रेट ज्यादा रेट पे कर रहा होगा गवर्नमेंट को। तो एक प्लानिंग जो है, टैक्स सेविंग प्लानिंग जो है, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे भी और एक कॉर्पोरेट लेवल पे भी, इन दोनों पे बहुत बहुत जरूरी है और मैंडेटरी, बहुत जरूरी है इसमें कि कॉर्पोरेट कंपनीज जो है वो टैक्स प्लानिंग, टैक्स सेविंग प्लानिंग करती है, वो अपनी सेल्स और अपनी जो गुड्स वगैरह होती है वो डिक्लेयर करती है, उनकी बेसिस पे उनको ग्रॉस प्रॉफिट पे उनको
फिर वो अपने एक्सपेंसेस माइनस करती है, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो टैक्स दे रही होती है, उसकी बेसिस पे वो कंपनी जो है वो अपनी टैक्स प्लानिंग कर रही होती है कि हम टैक्स जो है वो उसको कैसे सेव कर सके, टैक्स को हम टैक्स की जो कुछ ट्रांजेक्शन है वो आगे के पीरियड में ले जाते हैं, या टैक्स की इसके अलावा और सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसकी बेसिस पे कंपनी अपना टैक्स अवॉइड करती है फॉर द टाइम बीइंग, और सम टाइम डेफर भी करती है, सम टाइम टैक्स एक्सेप्शंस भी लेती है, सम टाइम टैक्स क्रेडिट्स भी लेती है। तो ये कंपनी को टैक्स प्लानिंग अगर कंपनी करती है, अदरवाइज अगर टैक्स प्लानिंग नहीं करे तो ह्यूज पेनल्टी के साथ साथ ह्यूज टैक्स के डबल रेट्स और ये सब कंपनी को पे करना। तो कंपनी के लिए एक बहुत अहम पार्ट है जब वो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रही होती है तो उसके अंदर टैक्सेशन की प्लानिंग को इनकॉर्पोरेट करती है कि ये मेरे टारगेट्स हैं, ये मुझे अचीव करने हैं, लेकिन साथ साथ ये जो मेरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द कंपनी है और ये टैक्सेशन है ये पैरेलल जाएगी तो मेरे ये जो स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं ये मेरे अचीव हो जाएंगे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो इसको पूरा प्लान लेके चलता है जब बजट वगैरह स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लोअर रेट्स ऑफ टैक्स रिडक्शंस एट सोर्स, जो अगर एक हमारे पास अथॉरिटी अगर हम देखते हैं, जैसे एक बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आया, उसके बाद उसने जो रेट्स वगैरह हैं उन पे लोअर रेट इंजॉय करेगा, वो टैक्स बेनिफिट उसको लोअर रेट्स मिलेगा, इसके अलावा उसको बिजनेस मिलेगा, दैट्स व्हाट उसकी एक मार्केट में रिलायबिलिटी हो जाएगी, टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट उसको ऑथराइज, ये ऑथराइज टैक्स पेयर है, गवर्नमेंट भी टैक्स पे करता है, और आप एक तो बिजनेस भी जनरेट होगा, रिलायबिलिटी भी होगी मार्केट में, उसके अलावा वो इंजॉय भी कर रहा होगा टैक्स, लोअर रेट ऑफ टैक्स ऑन बाइंग ऑन सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है वो डबल रेट पे कर रहा होगा, जो वो प्रॉपर्टी खरीदता और बेचता है उसमें उसमें डबल रेट पे कर रहा होगा, इसके अलावा जो व्हीकल ट्रांसफरिंग वगैरह होती है उस पर रजिस्ट्रेशन और उस पर भी वो पे कर रहा होगा टैक्स, डबल टैक्स, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर है तो वो रिडक्शन उसको मिली हुई होगी रेट्स पे। इसी तरह कैपिटल गेन्स ऑन सिक्योरिटी है जो स्टॉक्स बॉन्ड्स वगैरह है उन पे है, चार्जेस फॉर टैक्सेस ऑन डिविडेंड पे वो भी लोअर हो जाते हैं, आपके पास प्राइस बॉन्ड पे चार्जेस लोअर हो जाते हैं, और आपको जो है अगर आपका टैक्स जो है वो ओवरपेड हो जाता है लेट्स सपोज, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो आपको क्लेम बैक हो जाता है फॉर प्रीसीडिंग पीरियड्स में, जो सबसिक्वेंट पीरियड्स वगैरह होते हैं उनमें आपको वो उस पर क्लेम मिल जाता है। तो ये मेरी कंप्लीट इस पे स्पीच है कि ये टैक्सेशन हमें क्यों जरूरी है, और ये मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है। जी सर, कंप्लीट हो गई है मेरी, आप क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। सर आप क्वेश्चंस करने हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस करने हैं ये कोर्स के हवाले से तो आप ट्रेनर से कर सकते हैं प्लीज। कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग टैक्सेशन और जो भी मैंने आपको स्लाइड शेयर की है, कोई ऐसी प्लानिंग या कैरियर काउंसलिंग की, या कैरियर इसमें आप करना चाहते हैं, या आप अपने इंडिविजुअल के लिए करना चाहते हैं, या कंपनी के लिए करना चाहते हैं, कोई किसी के भी इस बार कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे रेज कर सकता है। हेलो, हेलो, ठीक है सर, इफ यू हैव एनी क्यूरीज। जी, इसी पर कोई क्वेश्चन है? No sir, thank you so much. Thank you to all. Okay sir, thank you. If you have any queries or you are interested in this course, you can contact us through these numbers and also visit our website for further details.
Thank you so much for attending our workshop. Thank you, sir. Thank you. Thank you.